नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। एक्टिवा मोटरसाइकिल की भिड़ंत में 20 साल की लड़की की हुई मौत। गुड़ थाना का है मामला। लड़की अपने घर से बाजार के लिए निकली थी, उसी दौरान हुआ एक्सीडेंट। एक्टिवा मोटरसाइकिल की भिड़ंत में 20 साल की लड़की की हुई मौत। गुड़ थाने का है मामला। लड़की अपने घर से बाजार के लिए निकली थी। परिजनों ने बाजार से कुछ सामान लाने के लिए कहा। लड़की ने अपनी एक्टिवा उठाई, बोली अभी 5 मिनट में सामान लेकर वापस लौटी। घर से जैसे ही वह थोड़ी दूर पहुंची थी, विपरीत दिशा से एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने उसको जोरदार ठोकर मारी, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। घटना 15 दिसंबर की संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान आज दोपहर लड़की की मौत हो गई। हम आपको बता दें, छोटी तिवारी जिसकी उम्र 20 साल थी, पिता का नाम ब्रजेंद्र कुमार तिवारी, गुड़ की रहने वाली थी, दोपहर के वक्त किसी काम से अपनी एक्टिवा से बाजार के लिए निकली थी। उसी दौरान विपरीत दिशा से एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल आ रही। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने छोटी तिवारी की एक्टिवा को जोरदार ठोकर मार दी, जिसकी वजह से छोटी तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गई। आसपास के लोगों ने उन्हें तत्काल ही गुड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया, परिजनों को सूचना दी। परिजन अस्पताल पहुंचे, डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद छोटी तिवारी को रीवा के संजय गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। यह घटना 15 दिसंबर की थी। छोटी तिवारी संजय गांधी अस्पताल में 4 दिन एडमिट रही। आज उपचार के दौरान छोटी तिवारी की मौत हो गई। एक्सीडेंट तेज गति से मोटरसाइकिल की ठोकर की वजह से हुआ, जिसके चलते छोटी तिवारी के सर में काफी चोट आ गई थी। डॉक्टरों के अथक प्रयास के बाद भी छोटी तिवारी नहीं बच पाई। आमतौर से इन दिनों संजय गांधी अस्पताल में देखा जा रहा है ज्यादातर मामले टू व्हीलर से टकराने के ही देखने में नजर आ रहे हैं, या फिर टू व्हीलर फोर व्हीलर से टकरा जाते हैं। एक्सीडेंट मोटरसाइकिल कब हुआ था, कहाँ जा रही थी? वो गुड़ रही थी, गुड़ से वापस आ रही थी, गहरी में हुआ है। क्या काम करती थी लड़की? कुछ नहीं, ऐसे गई थी बाजार वगैरह। अस्पताल में इलाज के लिए रखा था। मैं उसी दिन आया हूँ जिस दिन एक्सीडेंट हुई। ठीक। ताज़ा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।